नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमित 351 लोग बीमारी को हराकर स्वस्थ हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई और 405 लोग नए संक्रमित सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि भीम में एक वृद्ध, देवगढ़ व रेलमगरा में एक एक व्यक्ति और कांकरोली में एक महिला व एक पुरुष की कोरोना से मौत हो गई। इस तरह अब सक्रिय संक्रमित 3028 हैं। ब्लॉकवार कोरोना की स्थिति देखी जाए तो आमेट ब्लॉक में 34 कोरोना संक्रमित नए आए हैं, जबकि भीम में 43, देवगढ़ में 52, कुंभलगढ़ में 39, खमनौर में 69, रेलमगरा में 17, राजसमंद ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र में 68, नाथद्वारा शहरी क्षेत्र में 12 और राजसमंद शहरी क्षेत्र में 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय परिसर में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई अस्पताल प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कैलाश भारद्वाज से ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बातचीत की। डॉक्टर भारद्वाज ने प्लांट के लिए प्रस्तावित जगह बताते हुए कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही जिलाध्यक्ष ने सांसद दिया कुमारी से प्लांट के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करवाई। सांसद ने पीएमओ को कार्रवाई जल्द पूर्ण कर ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष शंभू सिंह राजपूत, नेता प्रतिपक्ष प्रदीप काबरा, नगर उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी, नगर महामंत्री गिरीश पुरोहित आदि मौजूद थे। खमनौर पंचायत समिति सदस्य प्रियंका कुंवर योगेंद्र सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को लेकर आमजन से विशेष अपील जारी की। प्रियंका कुंवर ने बताया कि नमाणा बामनहेड़ा पंचायत क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए पंचायत समिति खमनौर की विकास अधिकारी से बात की है। साथ ही क्षेत्र में किसी भी गांव ढाणी में किसी ग्रामवासी को कोई समस्या हो या मदद की जरूरत हो तो वह जरूर संपर्क करें, हर संभव उनकी मदद करेंगे, समस्या का समाधान करवाने के को लेकर आश्वस्त किया। जय एकलिंग जी की, जय आशापुरा जी की। मैं प्रियंका कुंवर चौहान आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। यह बीमारी बहुत अधिक फैल रही है और इसका शिकार हर कोई आदमी हो रहा है। हर कोई अपना अपने को खो रहा है और यह बीमारी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका हमें रोक लगाना है, इसके लिए आपको घर में रहना पड़ेगा। जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइजर करें, बेवजह घर से ना निकले। यदि कोई कार्य होता है और आपको घर से निकलना है तो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। मैंने वीडियो मैडम से भी बात की है, बहुत जल्दी बामनहेड़ा और नमाणा पंचायत को सैनिटाइजर किया जाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उसके लिए आप धैर्य रखें, बहुत जल्दी अपने गांव में छुटकाव किया जाएगा। और घर में रहें, सुरक्षित रहें और मेरे लायक इस परिस्थिति में अगर मेरे लायक कोई भी कार्य है तो आप मुझे संपर्क करें। धन्यवाद। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन। कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन। हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन। नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन। मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। नाथद्वारा अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने पर सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सांसद ने ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड से लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेसी नेता सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास कर रहे हैं जो निंदनीय है। देश भर में 581 प्लांट लगाए जा रहे हैं जो 7 से 10 दिन की समय अवधि में लगने हैं। इधर सांसद ने जिले के अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने व कोरोना जांच में परेशानी को लेकर प्रशासन के प्रति असंतोष जताया। नमस्कार मैम। नमस्कार। लोकसभा क्षेत्र में आपके एक पीएम केयर से ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, राजस्थान में 12 जगहों पे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की सैंक्शन आई है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड से इन 12 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स की सैंक्शन दी और इसमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत अभी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इसमें ऐसा सामने आ रहा है कि राज्य सरकार इस बारे में श्रेय लेना चाह रही है कि ये उन्होंने अपने
राज्य सरकार के प्रयासों से हुआ है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हमेशा ही होता है कि राज्य सरकार सभी केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश करती है। केंद्र सरकार बहुत सारा जो कार्य हुआ है केंद्र सरकार के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, और अब हम ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं उनकी बात करें, हर काम में राज्य सरकार केंद्र सरकार के कामों का, उनकी सारी योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश करती है। और इस बार भी वही हुआ कि इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विधायक हैं और राज्य सरकार है, पूरी तरह से इस काम में भी ये दिखा रही है कि ये इनके प्रयासों से हुआ है, जबकि ये सिर्फ केंद्र सरकार ने हर राज्य में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की सैंक्शन की है और राजस्थान में 12 जगह हुआ है, राजसमंद में भी नाद्वारा में ये होने वाला है। तो इसमें पूरा का पूरा ये केंद्र सरकार का ही पीएम केयर्स से जो फंड है उसी से ये काम हो रहा है, और राज्य सरकार में का इसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई भी उन्होंने इसमें कार्य नहीं किया। लेकिन ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं कि श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ये मैं तो इनको ये कहना चाहूंगी, श्रेय लेने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी ओर से भी कुछ अच्छा काम करें, और क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हर प्रकार से मेडिकल इमरजेंसी है, हर प्रकार से ये पैंडेमिक ने पूरी तरह से हर व्यक्ति को, हर घर में कोरोना के केसेस है, तो इसमें राज्य सरकार को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और बहुत सारा काम है जो, क्योंकि स्टेट हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, और इसमें जो राजस्थान सरकार है वो अभी भी उतना नहीं कर रही जितना उनको करना चाहिए। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो ज्यादा करें, हम सब मिलके इसमें करें, इसमें राजनीतिकरण या पॉलिटिसाइज इस चीज को हमको नहीं करना चाहिए, हमको सबको मिलके काम करना है, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकेंगे, हम इस ये जो चुनौती हमारे सबके सामने है इसको हम लोग पार कर सकेंगे, अगर हम इस लड़ाई को एक साथ मिलके लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नाथद्वारा शहर में अजमेर विद्युत वितरण निगम व नगर पालिका द्वारा डाली जा रही भूमिगत केबल के कार्य का कलेक्टर अरविंद कुमार बोसवाल ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विभिन्न गली मोहल्ले में घूमकर भूमिगत केबल के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही कार्य की गति बढ़ाने के लिए निगम कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकारी एजेंसी के कार्मिकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी नाथद्वारा अभिषेक गोयल सहित नगर पालिका व विद्युत निगम के अभियंता मौजूद थे। नाथद्वारा चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल जाट की प्रेरणा पर लायंस क्लब के सदस्य मयंक बंग द्वारा 5 ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर भेंट किए गए हैं। इस दौरान डॉक्टर राजेश करणपुरिया, कोमल पालीवाल, विजेश सिसोदिया, नर्सिंग अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, गणपत सिंह यादराम आदि मौजूद थे। ऑक्सीजन रेगुलेटर्स हैं जो कि लायंस क्लब की तरफ से नाथद्वारा हॉस्पिटल को भेंट किए गए हैं। इनसे टेम्पोररीली एक बार कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके और अपन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाएंगे। लायंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा शारीरिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की विधि आमजन को समझाइश की जा रही है। मंडल के सदस्यों द्वारा मैसेज, ऑडियो व वीडियो के माध्यम से आमजन को काढ़ा बनाने की विधि बताई जा रही है। इसको लेकर मंडल अध्यक्ष, मंडल संरक्षक महेंद्र कोठारी, रमेश देवड़ा, रमेश बोराना, अध्यक्ष लालूराम सिंधल, उपाध्यक्ष संजय सांवरिया, कमलेश पूर्विया, राहुल जैन, ओम प्रकाश पूर्विया, भवानी शंकर सिंधल, विपुल चंदेल, पिंटू राज माली, लक्ष्मण रेगर, भावना मेवाड़ा, हनी राठौड़ आदि जुटे हुए हैं। नाथद्वारा के राजकीय गोवर्धन चिकित्सालय परिसर में कोरोना संक्रमण के चलते नगर पालिका द्वारा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया, साथ ही अस्पताल परिसर में लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालन करने के लिए समझाइश की गई। खास तौर से मास्क पहनना रखने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बताया गया। मानव अधिकार युवा संगठन भारत राजसमंद द्वारा जिला कारागृह में बंदियों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा तैयार काढ़ा बनाकर पिलाया गया। इस दौरान संगठन प्रदेशाध्यक्ष पूजा गुजर, नरेश कुमार, दिनेश कुमावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कालीवास स्थित अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में कोविड वार्ड का
राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने निरीक्षण किया। विधायक दीप्ति ने कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कोविड रोगियों से मुलाकात करते हुए उन्हें धैर्य रखने और नो टेंशन में रहने की बात करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर भगवान बिश्नोई एवं हेमंत बंसल आदि मौजूद थे। भीम ब्लॉक के कुकरखेड़ा पंचायत के सदारण में कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव किया गया। साथ ही सरपंच श्रीमती खेली देवी द्वारा ग्रामीणों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत भी दी। इसके अलावा आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मुख्तियार सिंह द्वारा आयुर्वेद काढ़ा बनाया गया। फिर सरपंच श्रीमती खेली देवी के साथ वार्ड पंच रोशनलाल, चैन सिंह, गीसा सिंह, पारसमल, रविंद्र सिंह आदि ने घर घर काढ़ा वितरित किया। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।